जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम लोग डीएलएड के बारे में। गाइज इसमें जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा डीएलएड अभी हो रहा है तो उसमें गाइज रजिस्ट्रेशन डेट इनकी खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि ओमपे ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म निकले थे और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो चुकी है। अभी जो सिर्फ डेट है तो वह काउंसलिंग की डेट है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वह जो काउंसलिंग कर सकते हैं, और वो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो अब आगे क्या होगा, क्या वह एडमिशन नहीं करेंगे या फिर वह उनका साल होगा बर्बाद। तो गाइज इस जो है संपूर्ण जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। और अंत में बताऊंगा आपको कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है अपने कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। एडमिशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देते रहता हूं, तो जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन में जाना है, तो एमपी ऑनलाइन में जैसे जाएंगे गाइस तो यहां पर आपको लिखा होगा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, काउंसलिंग पे जाना है। यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ओपन होगा एक इंटरफेस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी दिखेगा। गाइस थोड़ा नेटवर्क स्लो की प्रॉब्लम है। चलिए जैसे ही यह ओपन होगा देन उसके बाद मैं बताऊंगा आपको स्टेप इसके बाद क्या है। चलिए रीलोड हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए गाइज। चलिए एमपी ऑनलाइन खुलेगा गाइज अभी बिल्कुल। देखिए गाइज जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की साइड ओपन हो चुके हैं अभी। अब मैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनसीटीई पर, कोर्स ऑफ काउंसलिंग पर। देखिए गाइस इस तरीके से आपको एक इंटरफेस ऑन होगा। अब देखिए गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। देखिए गाइस आप लोग बीए बीएड करना चाहते, बीएससी बीएड करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट सिर्फ बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना था अप्लाई पर। जैसे आप लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे देखिए गाइस विजार्ड दिख रहा है यहाँ पर, विजार्ड एक्सेस, मतलब गाइस रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो चुकी है। अब आप आगे क्या करेंगे, क्या सर हमारा एडमिशन नहीं होगा या फिर हमारा यह साल हम ऐसे ही गुजार देंगे बिना एडमिशन के, तो देखिए गाइस मैं बता दूं इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपका जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसके बाद आपका सेकेंड राउंड आएगा। अभी ऑलमोस्ट जब 20 डेट खत्म हो जाएगी, 20 अगस्त की डेट खत्म हो जाएगी, 10 उन्होंने उनको 10 दिन लगेगा आपको कॉलेज जिन्होंने जिन स्टूडेंट ने कॉलेज चूज किया है, देन उसके बाद आपका जो है फिर से रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आएगी। इसके बाद भी आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, मे बी गाइस 30 अगस्त तक आपकी सेकेंड रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी। तो वह विद्यार्थी जो है टेंशन जो परेशान है तो वह टेंशन ना ले, आपकी डबल से एक बार सेकेंड राउंड में सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं बल्कि उसके साथ रजिस्ट्रेशन की भी डेट आएगी, तो फिर आप लोग अपने जो है मोबाइल से ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए बाहर जाके और एक बार बता दूं आपको। चलिए ये तो बात हो गई आपको बीएड वाले और एमएड वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे चल के और बता दूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है पर काउंसलिंग नहीं हो पा रही, तो उसमें भी बताता हूं आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए साइड स्लो चल रही है गाइस, बहुत से विद्यार्थी लोग अभी लॉग इन है क्योंकि जो है काउंसलिंग करा रहे हैं। चलिए वेट कीजिए गाइस बिल्कुल, जैसे ही यह ऑन होगा हम बता देंगे आपको। देखिए गाइज यहां पर आपको क्लिक करना था, चलिए हम आ चुके हैं। देखिए गाइज यहां पर आप लोग जो है डीएलएड करना चाहते हैं या फिर जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट जो भी कोर्स करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर आपको क्लिक करना था तो हमने बीएड पर क्लिक किया। ये देखिए प्रवेश प्रक्रिया पर हमने क्लिक किया, यहां पर देखिए गाइज वेरीफाई क्या लिखा यहां पर, वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड, आप फर्स्ट राउंड तक जो है काउंसलिंग कर सकते हैं 5 अगस्त से लेकर 20 तक आप लोग को यहाँ काउंसलिंग करना था। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया गाइस तो यहाँ पर आपके कॉलेज के नाम आएंगे, जितने भी आपके कॉलेज है तो उसके नाम आएंगे यहाँ पर। काउंसलिंग की भी डेट खत्म हो चुकी है गाइस और आपकी रजिस्ट्रेशन की भी डेट खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भोपाल दिया है, यहाँ पर सभी भोपाल के जितने भी कॉलेज है भोपाल के, तो पूरे भोपाल कॉलेज ग्वालियर सभी कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो गाइस फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ कितना जाएगा जब आपने कॉलेज चूज किया है, तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मैं अभी बताऊंगा आपको। तो देखिए गाइस जनरल वाले कैंडिडेट है तो उनका जाएगा गाइस कट ऑफ, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, तो जनरल वाले का जाएगा 80+ क्या है कट ऑफ जाएगा जब उनका नाम आएगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट की बात कर ले, ओबीसी वाले कैंडिडेट 70+ जाएगा। अब बात कर ले एससी वाले कैंडिडेट तो 60+ जाएगा, और बात कर लूं एसटी वाले कैंडिडेट, एससी वाले हो गए, अब एसटी वाले कैंडिडेट की बात कर लूं तो ये जाएगा 55+। तो गाइस यह था कट ऑफ जो
अनुमानित कटाव है हमारे द्वारा, क्योंकि हमें पता है गाइज जो हमारा अनुभव है और हमने कई कॉलेजों से डिस्कस भी किया है कि सर कटाव कितना जाएगा, तो यह कटाव उन्होंने हमें बताया है कि श्योरली यह इतना कटाव तो जाएगा फर्स्ट राउंड का, और सेकंड राउंड भी आएगा। तो इससे जैसे सेकंड राउंड की बात चलेगी तो हम लोग फिर से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो गाइज जो वो जो स्टूडेंट जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वह टेंशन ना ले, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट पुनः आएगी, तो आप लोग जो है बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, जैसे ही डेट आई मैं वैसे जल्दी से आपको एक वीडियो बना के दूंगा। चलिए इसी के साथ गाइज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए जय हिंद जय भारत।